अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बड़े मज़े की चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। मेरे स्टूडेंट हैं डॉक्टर साद, इज़ फ्रॉम यूएसए। अच्छा, वो मुझे सॉन्ग सजेस्ट करते हैं और मैं फिर नोट्स उसके फिगर आउट करके उनको सिखाता हूँ वीडियोस के थ्रू। अब जो सॉन्ग उन्होंने सजेस्ट किया है, जो ये इंस्ट्रूमेंटल है और इसका नाम है ऊना मटीना, और बड़ा मुश्किल सा एक वो नाम है म्यूजिशियन का, वो मैं भूल गया हूँ क्या है। बहरहाल है बड़े मज़े की चीज़। ए माइनर से बजा रहे हैं, वो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब फिंगर ऑर्डर जो है ना इसका। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ शामिल करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ए माइनर स्केल है ये, इसमें ये चीज़ बजी है। तो मैं रख रहा हूँ अपनी रिंग फिंगर यहाँ पे A3 पे, और यहाँ मैं थंब रख रहा हूँ A2 पे, मैं रिंग रख रहा हूँ, E3 पे थंब रख रहा हूँ और मिडिल फिंगर रख रहा हूँ A3 पे। ये इस तरह चल रहा है। कितना खूबसूरत कॉर्ड है यार ये ए माइनर 9th कॉर्ड कहलाता है। इसका साउंड ही अलग है, बहुत क्लास का। स्लो स्लो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पार्ट की। फिर वापस लेगा। काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है लेकिन इसके मैंने 2-3 पार्ट्स कवर किए हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी सुनाऊं, अच्छा लगा मुझे। फील बहुत ही क्लास की है, मतलब लूप जो इसने लिया हुआ है वो वही जो एक कॉमन लूप होता है ए माइनर। माइनर 9th कर लेते हैं इसको। उसके बाद एफ मेजर 7 देते हैं, जी मेजर और फिर Am9। सॉरी, जी का नोट भी ऐड कर लें इसमें। असल कॉर्ड ये बनेगा अगर कॉर्ड पे करना है तो, वरना तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। तो चलें थोड़ी स्पीड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिंगर ऑर्डर थोड़ा यार इसका मसला है। अब देखें ये चीज़ भी सीखने की है कि प्रैक्टिस किस तरह होनी थी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ये नोट्स मैंने अभी फिगर आउट किए हैं लेकिन अब क्या है कि मैं एक जगह फंस रहा हूँ तो मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे इसी पार्ट को क्लियर करना है। ये जब माइनर 9 कॉर्ड के आरपीजियोस बजा के वापस आ रहा हूँ, यहाँ मैं अटक रहा हूँ। इस पार्ट को मुझे क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ मैं यहीं से प्रैक्टिस करूँगा अब। बस इतना पार्ट प्रैक्टिस करूँगा अब मैं। नोट्स बता दूँ ये कौन कौन से लगा रहा हूँ, चलो बताया था। ये जो माइनर 9 के नोट्स हैं ये B2 ले रहा हूँ मैं, फिर C3 ले रहा हूँ, फिर E3 ले रहा हूँ, फिर G3 ले रहा हूँ,
फिर बी थ्री ले रहा हूँ, ये नोट्स ले रहा हूँ ये, और सारा सस्टेन रहेगा, हर कॉर्ड का हर नोट का सस्टेन रहेगा। अच्छा है, मजे का है भाई, जबरदस्त। टाइमिंग में आ गया, देखो 2-3 बार मैंने किया और वो टाइमिंग में आ गया। यहाँ सीखने की चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पूरा पार्ट एक साथ प्रैक्टिस करते रहे, कभी भी नहीं होगा। जिस जगह आप अटक रहे हैं ना, भले वो 2 नोट्स ही क्यों ना हो, आपने वहाँ पे उससे आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक वो आपके बिल्कुल हाथ में ना आ जाए, और ऐसा ना हो जाए कि आप आंख बंद करके भी बजा रहे हो। ये होती है प्रैक्टिस। अब यहाँ ये जो मसला है, अब ये एफ वाले पार्ट पे आने में मैं अटक रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से बजाना शुरू करूँगा। अब मुझे यहाँ आना है ना, तो अब मैं सिर्फ इस पार्ट की प्रैक्टिस करूँगा। बस इसी की प्रैक्टिस करता रहूँगा मैं, 8 दफ़ा 10 दफ़ा। और एक और चीज़ भी, जब आप प्रैक्टिस करें ना, कोई पार्ट फंस जाए, टेम्पो बिल्कुल गिरा दें उसका, फिर प्रैक्टिस करें। अब यहां से ट्रांजिशन स्टार्ट करते हैं। फिर जी की ट्रांजिशन आएगी, ये क्या ले रहा है जी में। अच्छा 1 मिनट, एफ से लेते हैं दोबारा। ये पार्ट है, इसके बाद दोबारा -9th आ जाएगा। चलो एफ से प्रैक्टिस करते हैं। बस इतना बात करेंगे अभी। नहीं, ये बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, यहीं रुकना है। भैया ये मसले होते हैं एक कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने में, इसमें बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा ये इंस्ट्रूमेंटल, इसका नाम मैं भी देखता हूँ क्या है, प्रॉपर नाम मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 7 को तो खैर मैं भेजूँगा लेसन्स, बिकॉज ही इज़ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन आप लोग भी ट्राई करें जितना हो सकता है, कवर करने की कोशिश करें। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।